सतगुरु के परमार्थ भी कृष्णों के वृत्तांत नामक इस ग्रंथ में देहरा सच्चा सौदा की पूजनीय तीनों पाद सहायियों पूजनीय बेप्रवाह सहाय मस्ताना जी महाराज, पूजनीय परम पिता सहाय सतनाम सिंह जी महाराज व पूजनीय मौजूदा हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से संबंधित उनके वो रहमोक्रम के परमार्थ भी कृष्ण में संग्रहित हैं, जिन्हें तत्संगी प्रेमियों ने सुमरण अभ्यास के दौरान अनुभव किया है या प्रत्यक्ष रूप में देखा और महसूस किया है। सत्संगी प्रेमियों को उन्हीं रूहानी अनुभवों को पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने सतगुरु के परमार्थ भी कृष्णों के वृत्तांत भाग एक के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रदान किया है। डेरा सच्चा सौदा सरसा की स्थापना के समय का वृत्तांत प्रेमी रामचरण कदांची सरसा से इस तरह बयान करता है। रामचरण बताता है कि महाराज बाबा सावण सिंह जी के रूप से 29 अप्रैल 1948 को बेपरवाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। इसी महीने की 2 को महाराज बाबा सावण साहब जी ने अपनी नूरी चोला बदला था। बेपरवाह जी ने अपनी लाइन लाठी के साथ लाइन लगा दी और 2-3 सेवादारों को हुक्म किया कि वह इस लाइन पर कस्सी फावड़ा से गहरी खाई खोद दे, इस जगह पर डेरा सच्चा सौदा बनाएंगे। गुल्ला माली जो कि नदी की सावड़पुरा धाड़ी का रहने वाला था और जिसने कि मौजूदा जगह पर डेरा सच्चा सौदा बनाने के लिए मस्ताना जी से विनती की थी, मस्ताना जी के हुक्म से अपने घर से कस्सी ले आया। उसके साथ उसका छोटा लड़का भी था। जब गुल्ला माली नींव खोदने लगा तो पहले टक के साथ ही एक बहुत ही खतरनाक काला सांप निकलकर पास खड़े माली के लड़के के गले से लिपट गया। सांप ने अपने पूरे जोर से बच्चे के गले को लपेटा मारकर कस लिया। बेपरवाह मस्ताना जी दूसरी ओर मुख किए हुए पास ही खड़े थे। ये देखकर गुल्ला माली चिल्लाया, साईं जी बाप बाप, बच्चे को मार देगा। वह घबराहट में सांप को बाप कह रहा था। मस्ताना जी ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, बच्चा तेरा है या सतगुरु का? वह बोला, साईं जी बच्चा तो सतगुरु का ही है। बेपरवाह जी ने फिर वचन दिया, फिर तू क्यों पानी पानी हो रहा है? सतगुरु अपने बच्चे को आप ही बचाएगा, तुझे क्या फिक्र है? मस्ताना जी ने वहीं खड़े खड़े सांप को इशारा करते हुए हुक्म किया, भाई इस बच्चे को छोड़ दो और चले जाओ। तभी सांप ने लड़के के गले से अपना लपेटा खोला और बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़कर चला गया। जब सांप चला गया तब मालिक को होश आया, क्योंकि जब तक बच्चे गले में सांप था तो उसके होश उड़ गए थे। तभी मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तूने 1 के लिए बच्चे को अपना समझा तो कितना दुखी होना पड़ा। इसी तरह तुम हर चीज को अपनी समझते हो, सदगुरु की नहीं समझते। अगर वह वस्तु सदगुरु की समझो और जिस हाल में सदगुरु रखे उसकी रजा में राजी रहो, फिर देखो सदगुरु तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार है। अगर तू उसका हो जाए फिर सारा जग तेरा हो जाए। दरबार की इस जगह पर बहुत खतरनाक झाड़ियाँ और बेशुमार सांप बिच्छू तथा अन्य जहरीले जानवर रहते थे। बेपरवाह जी ने हुक्म फरमाया, भाई डेरे की 4 के अंदर ये सांप बिच्छू आदि ना ही किसी को काटेंगे तथा ना ही कोई नुकसान पहुंचाएंगे। किसी ने भी इनको मारना नहीं है बल्कि पकड़कर बाहर दूर छोड़ाना है। कुल मालिक की दया मेहर तथा हुक्म से जब भी कोई सांप आदि डेरे के अंदर आ जाता तो साधु जन उसे पकड़कर आबादी से दूर छोड़ाते। कुल मालिक की दया से आज तक सांप बिच्छू आदि ने डेरे के अंदर न तो कोई किसी को नुकसान पहुंचाया है तथा ना ही कभी पहुंचाएंगे।